नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राज्यमणि पटेल अध्यक्ष संसद सदस्य राज्यसभा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। जो सीटें खाली हुई हैं उन पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी का बहुमत आएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उससे जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि बेंगलुरु में बैठे 16 विधायकों को कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, उसका जवाब उन्हें जनता अच्छी तरह से देगी। निश्चित रूप से चुनाव तो माने प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। जो सीट खाली हुई है उसमें चुनाव होगा और उसमें पूरी दमदारी के साथ में ईमानदारी निष्ठा से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी का बहुमत आएगा। क्योंकि चुनौतियों भरे समय में कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने जिस तरह से प्रदेश को प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने वचनों को हर चुनौतियों का सामना करते हुए उनको पूरा करने का प्रयास किया है, जिस तरह से कर रहे थे, आज प्रदेश के जनता का विश्वास कमलनाथ जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं, जनता ने जिस विश्वास के साथ में अपने जनप्रतिनिधियों को भेजा था के विचारधारा के लिए भेजा था, पार्टी के हिसाब से भेजा था, मूल्यों के लिए भेजा था, बिकने के लिए नहीं भेजा था कि प्रदेश की जनता के विश्वास को कोई बेच दे या कोई खरीद ले या कोई दबाव में आकर के अपना निर्णय बदल दे, इसलिए प्रदेश की जनता ने विश्वास नहीं दिया था। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। जो 16 विधायक। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।